Fuck with devils, I'm a rebel. Big titty god bitch, I got several. Bitch, I fuck with devils. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर गेमिंग यार्ड। आज की वीडियो में गाइस मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपके लिए अगर आपने सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए, और अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बेल आइकन से मेरी न्यू नोटिफिकेशन वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाएगी, तो समझ सकते हैं आप। तो गाइस आज की वीडियो में आपके सामने मतलब काफ़ी सारे लोग कुछ वीडियोस, गेम्स, अदर चीज़ेस, बहुत से प्रोग्राम्स, फाइल्स डाउनलोड्स करते हैं। और एक्चुअली IDM इंटरनल डाउनलोड मैनेजर, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी वेबसाइट पे जाएंगे आपको वहाँ पर अपना लिंक दे देगा डाउनलोड करने का। आप उसको जिस पिक्चर्स में डाउनलोड कर सकते हैं हर एक फाइल को, वो ऑटोमेटिकली अपना डाउनलोड लिंक जनरेट कर देता है उस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो सबसे बड़ी IDM की बात हो ये आती है, तो आपने इसके क्रैक वर्जन डाउनलोड कैसे करना है, मैं फुल प्रोसेस बताऊंगा आपको। वीडियो पूरी देखें वरना वीडियो देखें ही ना। तो आपने अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपका बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा, आपको देखने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए पूरी वीडियो देखें। आप अपने गूगल पर चले जाएँ, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करें और आप इसे एक वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। इस वेबसाइट पर पहुँचने के बाद आपने डाउनलोड व्यू पर क्लिक करना है। एक्चुअली ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ इसको, तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे आपने अपना एंटीवायरस सबसे पहले तो डिसेबल कर लेना है। मैनेज सेटिंग वायरस एंड सेट प्रोटेक्शन इज ऑलवेज डिसेबल्ड, ओके। सो गाइस आपने वायरस और थ्रेट प्रोटेक्शन को ऑफ रखते हुए आपने अपने इंटरनेट को बंद करना, लेकिन अभी नहीं करना। जिस तरह मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ आपने उस तरह प्रोसेस करना है। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने ये जो फाइल आपको मिलेगी आपने इसको एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट हेयर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर पैचेस आ जाएंगे और ये IDM का एक क्रैक आ जाएगा। एक्चुअली मैंने गलत कर दिया। तो क्या आपने सिंपली ये करना है, IDM को रन एज एडमिनिस्टर करना है, जो इसके अंदर वर्जन होगा आपने करंटली वही वर्जन सेलेक्ट करना है, क्योंकि उसी वर्जन का ही क्रैक होगा, ठीक है। तो आपने इस सबको एक्सपेंड कर लिया और नेक्स्ट कर लेके इंस्टॉल कर लेना है, फिनिश करना है, ठीक है। आप फिनिश ऐसे करूँगा तो मेरे पास इसको ये आ जाएगा। अच्छा गाइस, इसके बाद सबसे पहली बात ये आती है कि फुल प्रोग्रेस ये होगा। ये मॉड्यूल आपको ये बता रहा है कि आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाएं, लेकिन आपको इस पर नहीं मिलेगा। आपने तो मैं वही कह रहा हूँ, आप वीडियो पूरी देखिए ताकि आपका फ़ायदा हो सके। आपने इस पर क्लिक करने के बाद अपना जो नेटवर्क है उसको डिसेबल कर देना है। अब मेरा जो IDM मैं खोलता हूँ उसको, ठीक है। अब IDM रजिस्ट्रेशन, अब मैं कोई भी करूँगा तो ये रजिस्ट्रेशन मांग रहा है मेरे साथ। अब मैं दिखाता हूँ, ये देखें। अब आपने इसको कैसे रजिस्ट्रेशन कैसे रजिस्टर करना है, तो आपने अपने सबसे पहले तो नेट को डिसेबल कर देना है। नेट को देखें, मेरा नेट नीचे से बंद हो चुका है गाइस। तो जैसे ही नेट आपका डिसेबल हो आपने इस पैच पे क्लिक कर लेना है। ये पैच आप देख रहे हैं, इसको क्लिक करें। उसके बाद आपके पास यहाँ पर 64, अगर आप नहीं चाहते करना कैसे है, मैनेज में जाएं इस PC की और आप यहाँ से अपना चेक कर लीजिए कि आपका कितने बिट है, कितने तो बच्चे को पता है कितना कितना बिट है, कितने बिट नहीं है। आपने यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पर मेरा 64 बीट है तो मैं 64 बीट को एक्सट्रैक्टेड करूँगा। पासवर्ड मांगा, पासवर्ड है इसका 123। आपको यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है जो ये क्या कहते हैं, ये है, इस पर भी लिखा हुआ है 123। IDM में से ये मांग रहा है तो इसको अपडेट क्लोज कर लीजिए इस नोटिस को। तो आपने क्या करना है, आपने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, नेक्स्ट कर लेना है इस पैच को। इससे आपके कंप्यूटर को डैमेज नहीं पड़ेगा। आपने इसको ये जो है जो क्रॉस करना है और कम्प्लीटली IDM पैच कंप्लीट हो चुका है। अब आपने सिंपली तौर पर क्या करना है, अपना IDM ओपन कर लेना है। अच्छा, इसको बाद आपने अपने IDM को एक्सटेंशन में कैसे लेकर आना है, उसके लिए आप अपना आपको जो इंटरनेट है वो आप दोबारा चालू कर लीजिए। चालू कैसे करना है वो बताते हैं आपको। सो गाइस, जिस तरह के मेरा ये IDM जो है इसको ये हो चुका है, मैंने इसको अपने इसका जो है क्या कहते हैं एक्सटेंशन है वो अपने इस पर कैसे लानी है, आप पहले यहाँ पर जाएंगे इंटरनेट मॉड्यूल का एक्सटेंशन एनेबल कर दीजिए सिंपली तौर पर। अब आप यहाँ पर जाते हैं तो आपका एक्सटेंशन जो है वो अनेबल हो जाता है। अगर इसकी सूरत में मैं आपको एक मिनट चेक करके बता देता हूँ। आप सिंपली तौर पर अपने यूट्यूब पर जाइए। YouTube पर जाने के बाद कोई भी वीडियोस खोल लीजिए, जिस जगह मिसालन मैं खोल लेता हूँ, ये वीडियोस खोल लेते हैं हम लोग। उसके बाद आपको डाउनलोड बटन पर क्लिक आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग और हमें कौन से पिक्चर्स में मिल रही है मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो
तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये मेरा आईडीएम जो रजिस्टर रजिस्टर हो चुका है। अगर रजिस्टर ना होता तो मेरे यहाँ पर ये एरर दे देता। तो मैं आपको, अगर अभी भी आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं इसके प्रूफ में चला जाता हूँ, आपको मैं आईडीएम खोल के दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पर जाएंगे क्लोज, और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन जहाँ लिखा होता था वहाँ पर क्रैक बाय आ चुका है। ये ट्रिक 100 100,000% गाइस वर्क करेगी। अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये ट्रिक आपके कंप्यूटर में काम नहीं करी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।